आप सभी को नमस्ते। मेरे चैनल में एक्टिविटी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ रागी का डोसा, उसके साथ चना दाल की चटनी। इसके लिए मैं एक बर्तन में यहाँ पे रागी का आटा ली हूँ। यहाँ पे मैं गुड़ डाल दी, अभी तेल डाल दी और मैं इसे धीरे धीरे पानी डाल के मिला लेती हूँ। मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। अभी मैं इसे 10-15 मिनट के ढक के रख दी। अभी मैं कढ़ाई को चढ़ा दी, इसमें तेल डाल दी, अभी जीरा डाल दी, चना दाल कुछ देर के लिए भून लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, लहसुन अदरक, अभी इसका कलर चेंज हो गया है। मैं गैस को बंद कर लेती हूँ और एक साइड में कर लेती हूँ सब दाल को, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल अलग हो जाए। ये ठंडा हो गया, अभी इसे मैं पीस लेती हूँ। पहले इसमें मैं थोड़ी सी पानी दे के पीसती हूँ। अभी नमक डाल दी, मैं ऐसे ही थोड़ी थोड़ी पानी डाल के पीस ली। मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अभी मैं थोड़ी सी पानी डाल दी जार में और मैं इसे अच्छे से मिला ली और डाल दी बाउल में। अभी मैं तड़का लगा लूँगी। कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें तेल डाल दी, सूखी मिर्च, सरसों और कड़ी पत्ता। अभी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, मिला लेती हूँ। अभी ये रेडी है। अभी मैं डोसा बना लेती हूँ। तवा में थोड़ी से तेल लगा ली। अभी मैं डोसा का बैटर डाल रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे डोसा को मैं बना लूँगी। ये गरम गरम खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोसा के साथ चटनी रेडी है।